फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही सोयाबीन। शाही सोयाबीन बनाने के लिए हम एक पतीला लेंगे और इसमें हम सोयाबीन डालेंगे और इस सोयाबीन को हम उबालने के लिए गैस पे रखेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये सोयाबीन अब उबलने लगा है और इसकी साइज़ भी इंक्रीज कर गई है। इसको थोड़ा और हम उबालेंगे, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि देख सकते हैं हम कि ये सोयाबीन जो है ठंडे हो चुके हैं। अब हम इस सोयाबीन से पानी को अलग कर देंगे और ये पानी हम स्ट्रेन कर देंगे। ये हमारे पास सोयाबीन अलग से हो गया है। अब इस सोयाबीन से जो एक्सेस वाटर है उसको हम ऐसे निचोड़ के निकाल देंगे। साथ ये हमने सारे सोयाबीन को अच्छे से पानी निचोड़ के किनारे रख लिया है। अब इन सोयाबीन को हम डीप फ्राई करेंगे और ये हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, उसमें हम डीप फ्राई। और ये डीप फ्राई तब तक करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए सोयाबीन। आप देख सकते हैं कि हल्का ब्राउन होने लगा है, इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे। और जब तक कि ये भून रहा है सोयाबीन, तब तक हम शाही मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। शाही मसाला बनाने के लिए हमें 2-4 लहसुन की कलियां चाहिए, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अब हम इसे छील के काट लेंगे और एक जार में इसे हम डालकर पीस लेंगे। और साथ ही में हम जब हम इसे पीसेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा हल्दी, आधे छोटे चम्मच, आधा छोटा चम्मच हम सब्ज़ी का मसाला जो हम डेली घर में यूज़ करते हैं, जो कि सब्ज़ी मसाला है, और हम आधा छोटा चम्मच या फिर स्वाद अनुसार हम नमक इसमें डालेंगे। और इन मसालों के साथ, हल्दी के साथ, नमक के साथ और ये मसालों के साथ हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। चलिए तब तक हम मसाले ग्राइंड कर लेते हैं और तब तक हम इसे बीच में देखते रहेंगे कि अच्छे से भून रहा है या नहीं, फिर लाइट ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। चलिए हम मसाले, इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जो कि शाही मसाले के हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। और ये मेरे मसाले ग्राइंड हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसका कलर हल्का ऑरेंज आ चुका है, जो कि बेसिकली शाही मसालों का होता है। अब हम इन सोयाबीन को निकाल लेंगे क्योंकि अब अच्छा भुन चुका है, लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसी कढ़ाई में हम आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डाल लेंगे और 2 हरी मिर्च तोड़ के डाल देंगे। मिर्चा डाल देंगे क्योंकि शाही खाना जो होता है वो तीखा नहीं होता है, इसलिए हम ऐसे मिर्चों को तोड़ के डालें, सॉफ्ट नहीं डालें, ताकि ये ज़्यादा तीखा ना हो। और आप चाहें तो इन मिर्चों को जब आप मसाले ग्राइंड कर रहे हो तो आप उनके साथ पीस सकते हैं। अब इसमें हमें मिर्चे जल चुके हैं, जिसे हम बेसिकली फ़ोरन कहते हैं। फ़ोरन हमारा जल चुका है और अब हम इसमें अपने मसालों को डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा है। ये मसालों को हम आंच को तेज़ कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दें।
मसाले को अच्छे से भूनें। अभी मसाला तेल नहीं छोड़ रहा है, मसाला जब भून जाएगा तो वो खुद ही तेल छोड़ने लगता है। इससे हमें पता चल जाता है कि मसाला अच्छे से भून गया है और अब हम इसमें बाकी सामान डाल सकते हैं। बट अभी हमारा मसाला अच्छे से भुना नहीं है, अभी हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दें। बेसिकली जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो पहले हम प्याज टमाटर पीस के ऐसे फौका लगा देते हैं, उसके बाद हम ऊपर से मसालों को डालते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं। बट ये जो रेसिपी है शाही सोयाबीन, इसमें हम मसालों को एक साथ लेके और उसको ग्राइंड कर लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से लहसुन प्याज के साथ टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम इसे अच्छे से भून लें, जिसका टेक्सचर है आप देख सकते हैं कि ऑरेंजिश है, जो शाही खानों में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब शाही खाने की बात आती है तो शाही खाना जो होता है वो रॉयल खाना होता है और उसमें हम बेसिकली दूध दही ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि शाही है, शाही की बात हो रही है, तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इन्ग्रीडियंट पड़ेगा जिससे ये शाही बनेगा और ये सूटेबल वर्ड सेट होगा इसके साथ। तो अभी पहले हम इसे भूनने देते हैं अंटिल एंड अनलेस, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। मसालों को भूनते वक्त घबराए ना, क्योंकि मसाले जब तक भुनेंगे नहीं तब तक उनका फ्लेवर आएगा नहीं, वो आधे कच्चे आधे पक्के आपको लगेंगे। तो इसे आराम से भुनने दें और आँच जो है हमारी तेज़ ही रहेगी। इसे बस एक आपको काम करना है, इसे चलाते रहना है बराबर जब तक कि मसाले हमारे अच्छे से भुन ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये हल्का हल्का तेल छोड़ रहा है हमारा मसाला। और मसालों में आप तेल ज़्यादा ना यूज़ करें, जितना आपको लगे कि हाँ इतना सही है आप डाल सकते हैं। हाँ, लिटिल बिट ऑफ नॉर्मल जो सब्ज़ियाँ बनाते हैं उससे लिटिल बिट ऑफ ज़्यादा कर लेंगे, आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में तेल लेंगे ताकि मसाले आपके अच्छे से भुन जाएँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे मसाले भून रहे हैं, थोड़ी देर और हम इसे भूनेंगे ताकि अच्छे से ये तेल छोड़ दे। जब भी हम शाही खाना बनाते हैं तो एक जो दो स्पाइसेस है वो हम ज़रूर डालते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, वो हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि शाही खाना मैंने जैसा कि आपको बताया कि ज़्यादा तीखा नहीं होता है। पकने देंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अब मसाला मेरा भुन चुका है और तेल को छोड़ दिया है। मेरे तेल विजिबल नहीं हो रहे होंगे आपको क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तेल डाला है, मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है इसमें। और तब भी आप देख सकते हैं कि ये तेल दिख रहा होगा आपको और ये हमारे मसाले, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, इसका मतलब कि आपके मसाले भुन गए हैं। मसाले भुन गए हैं, अब हम इसमें अपना भुना हुआ सोयाबीन ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छे से भुनेंगे 2 मिनट तक। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मैंने ये जार में ही पानी ले लिया है क्योंकि इसमें थोड़े बहुत मसाले लगे हुए थे, जिससे कि जो मसाले हैं इसके साथ आ जाएंगे, थोड़ी सी थिक ग्रेवी हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको जैसा खाना है वैसे, बेसिकली थोड़ा सा थिक होता है ये, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा, इसकी ग्रेवी मीडियम होती है यूजफुल।
इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, करीब 2 से 3। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये अब पक रहा है, उबाल आ रहा है और जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है शाही खाने का, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास फ्रेश क्रीम है, आप इसे मलाई भी कह सकते हैं, जो कि हम बेसिकली अपने घर से ले सकते हैं। दूध के ऊपर जो मलाई जमती है उसे हम लेके उसे थोड़ा सा फेंट लेंगे और इस मलाई को हम इस शाही खाने में ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर एकदम ऑरेंज है, जैसा कि शाही पनीर का होता है वैसे ही शाही सोयाबीन का भी है। इसे थोड़ी देर और हम पकने देंगे, ढक के 1 से 2 मिनट, उसके बाद हम प्लेटिंग की तैयारी करेंगे। और अब हम इसे वापस से चलाएंगे। देख सकते हैं कि अच्छे से पक गया है, तो इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना अच्छा हो गया। हम फ्लेम को कर देंगे बंद और अब हम इसे एक बोल लेंगे, उस बोल में हम इसे निकाल लेंगे। हम एक बोल में से निकाल लिए हैं और इसकी हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे फ्रेश क्रीम के साथ। अब ये हमारी गार्निशिंग हो चुकी है फ्रेश क्रीम से और आप इस पर थोड़ा सा चाहें तो चॉप धनिया भी डाल सकते हैं। एंड नाउ इट इज़ रेडी।